पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, हरियाणा सिविल सचिवालय में होगा मंथन, सुबह 11 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, मानसून सत्र की तारीख पर लग सकती है मोहर, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में मंथन किया जाएगा, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सुबह 11 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, तो ये बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं कि सीएम सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बताते चले, चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे, हरियाणा सिविल सचिवालय में मंथन होगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो आपको बता रहे हैं कि मानसून सत्र की तारीखों पर लग सकती है मोहर, ये भी अपडेट जो है फिलहाल मिल पा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। तो आपको बताते चलें, ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, सिविल सचिवालय में मंथन किया जाएगा, सुबह 11 बजे हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। तो आपको बता रहे हैं कि सीएम सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, तो आज सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन होगा, मानसून सत्र की तारीख पर भी आज मोहर लग सकती है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। सीएम सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा, ठीक सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में मंथन किया जाएगा। साहिल रुकाया हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। साहिल, जिस तरीके से ठीक 11 बजे बैठक की शुरुआत होने जा रही है, जानकारी है कि मानसून सत्र की तारीख की जो तारीख तिथि तय की जाएगी उस पर मोहर लग सकती है, क्या देख अपडेट है? आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो हरियाणा सिविल सचिवालय की फोर्थ फ्लोर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जो है वो होनी जा रही है, और कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर जो है मोहर लग सकती है। सबसे बड़ा जो है तोहफा हरियाणा सरकार उन वर्ग को दे सकती है जो कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए, उस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार की ओर से पिछले दिनों 8 आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी जो है वो लगातार इस पर जो है मंथन कर रही थी, तो सूत्रों से जानकारी यही मिली है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है कच्चे कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है, यानी कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर जो है आज की कैबिनेट पर मोहर जो है वो कहीं ना कहीं लग सकती है। इसके साथ साथ मॉनसून सेशन की तारीखों का ऐलान भी जो है वो आज हो सकता है, क्योंकि अगस्त के जो है अगस्त के तीसरे सप्ताह में जो है मॉनसून सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी कई अहम एजेंडे जो है उस कैबिनेट के अंदर रखे गए हैं, और कैबिनेट का एजेंडा इस पर सीक्रेट रखा गया है क्योंकि कई अहम बड़े फैसले जो है वो सरकार ले सकती है, क्योंकि चुनावी वर्ष जो है और एक महीने बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो ऐसे में सरकार कुछ बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में ले सकती है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार की ओर से बड़े ऐलान जो है वो कैबिनेट की बैठक के बाद किए जा सकते हैं। जानकारी ये भी मिली है कि सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक जो है वो हो सकती है, क्योंकि सितंबर माह के जो दूसरे या तीसरे सप्ताह में कोड ऑफ कंडक्ट लगने की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं जताई जा रही है, तो कई अहम बड़े फैसले जो है आज इस कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ अग्निवीर जो है उनको भी 10% आरक्षण देने की बात जो है वो कही जा रही है, इस कैबिनेट के अंदर एजेंडा जो है वो लाया जा सकता है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस मामले में पहले ही घोषणा जो है वो कर दी गई थी, और नायब सिंह सैनी ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसकी जानकारी जो है वो मीडिया को साझा की थी कि जो है सरकार जो है वो अग्निवीरों को जो है हरियाणा की जो नौकरियों में आरक्षण जो है वो देने जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जींद में बीजेपी का